Do subscribe to Ekeeda channel and press bell icon to get updates about latest engineering, HSE and IIT JEE main and advanced videos. So, question is, find the value of I raised to n plus I raised to n plus 1 plus I raised to n plus 2 plus I raised to n plus 3 for n natural number. इसकी value क्या होगी? Okay? तो आइए हम वो जो concept मैंने आपको बताया previous video में उसका use करके हम इसकी value निकालते हैं. Okay? So given I raised to n plus I raised to n plus 1 plus I raised to n plus 2 plus I raised to n plus 3. Okay? So इसको हम I raised to n आप as it is रहने दो. प्लस i रेज़ टू n इंडेक्स लॉ से हम इसको अलग कर सकते हैं i रेज़ टू n इनटू i रेज़ टू 1 सेम हियर i रेज़ टू n i रेज़ टू 2 सेम हियर i रेज़ टू n i रेज़ टू 3 ओके अब आप देख रहे हैं i रेज़ टू n इन सारे टर्म्स में कॉमन है तो आप i रेज़ टू n कॉमन ले लो यहां से मिला आपको i यहां से मिला आपको i स्क्वायर यहां से मिला आपको i क्यूब और यहां से आपको मिला 1 ओके सो i रेज टू n i ऐसे रहने दो i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 i क्यूब की वैल्यू क्या होती है -i एंड 1 ऐसे रहने दे आप सो -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया i माइनस i कैंसिल हो गया सो दैट इज i रेज टू n इनटू 0 सो दैट इज 0 सो आपने देखा कैसे इजीली हमने ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया जिसमें जो आपको थोड़ा सा टफ दिख रहा था टफ नहीं कह सकते हैं थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा कि i वगैरह ये सब कहां से आ रहे हैं आपके लिए नया है बट डरने की कोई जरूरत नहीं है ओके आप ये सारे वीडियो आप स्टेप बाय देखते जाइए और आप भी ऐसे ही इजीली सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ओके सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा थैंक यू